असम विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के बीजेपी प्रमुख रणजीत कुमार दास ने कहा कि पार्टी जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू करेगी। असम के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणजीत कुमार दास ने CAA को लेकर कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इसे संसद से पारित किया गया है, इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं। CAA से किसी तरह का नुकसान नहीं होने जा रहा है, हम निश्चित तौर पर इसे लागू करने जा रहे हैं, कानून का गठन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पर CAA का कोई असर नहीं होगा। जब ये मुद्दा गर्म था तब हमने पंचायत चुनावों में हिस्सा लिया था और लोगों से इस बारे में सवाल किया था और यहाँ विदेशियों के प्रवेश पर उनसे राय मांगी थी, हमें उस चुनाव में सबसे अधिक सीटें मिली थी। पार्लियामेंट में तो हम लोग के पास क्या है, ये चीज के लिए एक भी असम का नुकसान होने नहीं दूंगा हम लोग, नुकसान होगा भी नहीं। इस शेयर का मतलब क्या है, उन लोग जिसे समझता रहा है, पब्लिक को जैसे उन लोग बोल रहा है जी अगर सीए होगा देर करो बंगाल आ जाएगा, इधर में बांग्लादेश आ जाएगा, उन लोग तो ऐसा भी बोला था जो अगर जिस दिन सीए पारित हो जाएगा वो पारित होने का नेक्स्ट डे देर करो बांग्लादेशी लोग आ जाएगा। 84 लाख बांग्लादेशी बॉर्डर में रुका हुआ है, 50,000 ट्रक है, ऐसा करके सोशल मीडिया में ऐसा ये माहौल बनाया था। उस टाइम लोगों ने आतंकित तो हुआ था, लेकिन सीए पारित होने के बाद लोगों ने जब समझा है तो उनका बात लोगों ने अभी बोला कहाँ है बांग्लादेश आया है, क्योंकि जो सीए का जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम मेरा पंचायत इलेक्शन हुआ था, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने हमको पूछा है जी अभी इलेक्शन करना अच्छा नहीं होगा, हम बोले आप अखबारों में जो पढ़ रहा है सुन रहा है वो ऐसा नहीं है, हम लोग जो बोल रहा है क्योंकि हम लोग बूथ का बात बोलते हैं, क्योंकि मेरा 28,000 बूथ है, मेरा अभी 4,47,000 मेरा पेज इंचार्ज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।